दोस्तों सैफ अली खान जिस मजहब से आते हैं उसमें चार शादी करने की अनुमति है, कर सकते हैं। और इसी को लेकर हमारे देश में एक समय में पॉलिटिकल जगत में काफ़ी कुछ हुआ भी था कि तीन तलाक को लेकर जो आपने देखा था राजनीतिक भूचाल, वो सभी जानते हैं, जिसके चलते मोदी सरकार को फायदा भी हुआ था क्योंकि मुस्लिम महिलाओं ने मोदी सरकार को सपोर्ट भी किया था। अब कुछ टाइम पहले आपने देखा कि आमिर खान अपनी बीवी से तलाक ले चुके हैं। अब जिसके तलाक की बातें चल रही है वो है सैफ अली खान और करीना कपूर। इसलिए बातें हो रही है क्योंकि करीना कपूर से सैफ अली खान का जो मन है वो भर चुका है। पहली बीवी को छोड़ चुके हैं तो दूसरी को छोड़ने में कितना टाइम लगेगा और तीसरी को अपनाने में कितना टाइम लगेगा, ऐसा लोग कह रहे हैं। कह इसलिए रहे क्योंकि सैफ अली खान ने करीना कपूर के प्यार में अपने कलाइयों के ऊपर करीना लिखवा के रखा हुआ था और अब वो जो टैटू है उस टैटू को करीना नाम का जो था वहाँ से हट चुका है। उसकी जगह पर कुछ अजीब सी आकृति वहाँ पर दिखाई पड़ रही है, क्या है वो आप खुद ही समझ लीजिए। और इसी को देखने के बाद लोग तरह तरह से ट्रोल कर रहे हैं कि बस करीना कपूर खान जो है वो बूढ़ी हो चुकी है, अब वो बच्चों को संभाले, अब सैफ मियाँ जो हैं वो तीसरी शादी की तैयारी करें, तीसरे युद्ध पर जाएंगे, इस तरह से ट्रोल किया जा रहा है उन्हें। इस पूरे विषय को लेकर आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में सैफ अली खान करीना कपूर खान से उब चुके हैं और उन्हें तलाक देने की तैयारी कर रहे हैं? आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताइए।